हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, लाइक और शेयर करना ना भूलें। दही वाले आलू बना रहे हैं आज हम। उसके लिए यहाँ पर मैंने 4 आलू इस तरीके से कुछ काट कर और कुकर में पानी और नमक डाल के बॉईल कर लिए थे। इससे आलू में भी नमक चला जाता है। ठंडा कर लिया है इनको। और यहाँ पर हमारे पास है दही, ये तकरीबन 1/2 कप के करीब होगी। इसके अंदर हम कुछ मसाले डालेंगे। और यहाँ पर मैंने लिया है 2 टेबलस्पून जितना ऑयल, जिसको कि हम अभी ऑन करके और बनाना शुरू करेंगे। पहले दही में थोड़े मसाले डाल लेते हैं। मसालों में मैंने यहाँ पर डाला है काला नमक स्वाद अनुसार, क्योंकि आलू में भी नमक है तो थोड़ा कम नमक डाला है। और ये काला ही नमक डाला है क्योंकि इससे फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। मसाले वाला 1/2 टीस्पून डलेगा इसमें हल्दी, मसाले वाला 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी सी हम तीखी मिर्च भी डालेंगे। यहाँ पर हम डाल रहे हैं 1/2 चम्मच तीखी लाल मिर्च, मसाले वाला चम्मच आधा, 1.5 चम्मच नॉर्मल टीस्पून जितना मतलब जाएगा यहाँ पर धनिया पाउडर। और बस, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं, यही मसाले डलेंगे। इसके अलावा डलेगी कसूरी मेथी, जो कि हम थोड़ा सा बाद में डालेंगे। तो इसको मिक्स कर लेते हैं, फिर बनाना शुरू करते हैं। देखिए तेल गरम हो गया। हम यहाँ पर डाल रहे हैं 1/2 चम्मच जीरा, और जीरा तड़कने के बाद हम डालेंगे 1/4 मसाले वाला टीस्पून जितनी हींग। जीरा तड़क गया, इसमें जाएगी हींग, और हींग के साथ ही साथ हम डाल देंगे इसमें 1 बारीक कटा हुआ प्याज और 1 बारीक कटा हुआ हींग। इसको 2 से 3 मिनट पकाएंगे। डेढ़ से 2 मिनट हो गया है प्याज को पकते। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं ये दही, और दही डालने के बाद हम इसको लगातार चलाएंगे तब तक जब तक कि इसमें उबाला नहीं आ जाता। ये देखिए, कुछ इस तरीके से इसको जल्दी जल्दी चलाते रहना पड़ेगा क्योंकि इसमें नमक है थोड़ा सा, तो फट ही जाता है दही। नमक ना भी डालो तो भी, लेकिन कोशिश करेंगे कि बहुत ज़्यादा फट के पनीर ही ना बन जाए एकदम, इसीलिए इसको लगातार चलाएंगे। और बॉयल आने के बाद फिर इसको छोड़ सकते हैं। देखिए इसमें उबाल आ गया, तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे आलू। इनफैक्ट थोड़ा सा इसको गाढ़ा होने देंगे और उसके बाद आलू डालेंगे, क्योंकि फिर हमें थोड़ा सा ग्रेवी के लिए भी पानी डालना होगा। तो अब इसको 1 से 2 मिनट पकाएंगे थोड़ा गाढ़ा होने तक। देखिए थोड़ा सा गाढ़ा होने लगा, तो इसमें अब हम डाल रहे हैं कसूरी मेथी, मिक्स करेंगे और आलू भी डाल देंगे। थोड़ा सा पकाएंगे, फिर अगर हमें लगेगा कि ग्रेवी इसकी बनानी है और थोड़ा बिल्कुल ही सूख रहा है, तो फिर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। पर अभी इसको ऐसे ही पकाएंगे आलू के साथ। दही वाला आलू रेडी हो गए, लग रहे हैं ना लाजवाब। तो हम इसको रोटी के साथ खाएंगे, तंदूरी रोटी बनाकर। आप इसको तंदूरी रोटी, चपाती, नान किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अगर चावल के साथ खाना चाहें तो ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा बना लीजिए, यहाँ कम ग्रेवी है, बस लटपटे से ही हैं। तो आप भी इसे बनाएं, खाएं, हमें बताएं आपको इसकी टेस्ट कैसा लगा, ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी ज़रूर दबा दीजिएगा। और हम मिलते हैं आपसे किसी और एक दिन किसी और एक नए वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर एंड बाय।